भजन संहिता का पाठ 46 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। भजन संहिता का पाठ 46 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और बल है संकट में अति सहज से, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में, चाहे समुद्र गर्जे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग छल्ला उठे राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ मैं जातियों में महान हूँ मैं पृथ्वी भर में महान हूँ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर